हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी गुप्ता, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना बेहद मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान हो गया है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको वो कोर्स कौन सा है। मैं स्टेनोग्राफी की बात कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं स्टेनोग्राफी क्या है, इस कोर्स को कैसे सीखेंगे, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हम किस प्रकार की जॉब कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड भी आती है और उसमें कंप्यूटर वर्क भी आता है, तो शॉर्ट हैंड के बारे में हम जानेंगे। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज और गुप्त लैंग्वेज भी कह सकते हैं। शॉर्ट हैंड को हिंदी में शीघ्र लिपि, आशुलिपि, त्वरा लिपि आदि नामों से जाना जाता है। शॉर्ट हैंड दो प्रकार की होती हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड। जिसको हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं आती वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख ले, और जिसको इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं आती वो हिंदी शॉर्ट हैंड सीख ले। तो आइए जानते हैं इस कोर्स को हम कैसे सीखेंगे। इस कोर्स को सीखने के लिए हमें एक नोटबुक की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये वो नोटबुक है और ये आप देख सकते हैं कि ये जगना वर्ड लिखा हुआ है। हम इसको इतने छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम हिंदी के चार वर्ड लिखते हैं, हम शॉर्ट हैंड में उसको 8 बार लिख सकते हैं। आइए जानते हैं नोटबुक के अलावा हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नोटबुक के अलावा हमें इस तरह की एक पेंसिल जो कि अप्सरा की है, और एक इरेजर और एक शार्पनर की ज़रूरत है। बस हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हम कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हम SSC, रेलवे, खुफिया विभाग, टीचर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, आर्म फोर्सेस आदि जगहों पे नौकरी कर सकते हैं। इसको सीखने के बाद हम, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है तो हम एक जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं कि इस कोर्स को हम कैसे सीखें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस कोर्स को सीखने के लिए हमें कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, हम किसी भी उम्र में इसको सीख सकते हैं। जबकि हमें इसको अप्लाई करने के लिए 12th पास या 18 साल का होना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से बोर्ड से हैं, आप UPSC, एनी बोर्ड से आप हैं, आप कोई भी बोर्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।